अब्दुल करीम टुंडा को ऑनरेबल कोर्ट ने हर धारा, हर सेक्शन, हर एक्ट से बरी किया है। सीबीआई प्रोसिक्यूशन अदालत में अब्दुल करीम टुंडा के खिलाफ टाडा एक्ट, आईपीसी, रेलवे एक्ट, आर्म्स एक्ट, विध्वंसक विस्फोटक अधिनियम, किसी मामले में कोई ठोस सबूत पेश नहीं कर सकी। अब्दुल करीम टुंडा के खिलाफ जितने भी मामले दर्ज हुए हैं, किसी मामले में अब्दुल करीम टुंडा पर आतंकवाद के जो चार्ज थे, जो मामले थे, किसी मामले में अब्दुल करीम टुंडा दोषी सिद्ध नहीं हुए हैं और आज भी अब्दुल करीम टुंडा बरी हुए हैं। अब्दुल करीम टुंडा पूर्णतः निर्दोष है। माननीय न्यायालय के ने आज यह फैसला दिया है। अब्दुल करीम टुंडा को ऑनरेबल कोर्ट ने हर धारा, हर सेक्शन, हर एक्ट से बरी किया है। सीबीआई प्रोसिक्यूशन अदालत में अब्दुल करीम टुंडा के खिलाफ टाडा एक्ट, आईपीसी, रेलवे एक्ट, आर्म्स एक्ट, विध्वंसक विस्फोटक अधिनियम, किसी मामले में कोई ठोस सबूत पेश नहीं कर सकी। शुरू से हमारा ये कहना था, मेरे मुवक्किल का ये कहना था कि अब्दुल करीम टुंडा निर्दोष है। अब्दुल करीम टुंडा की निर्दोषिता आज न्यायालय में एक बार फिर साबित हुई है। अब्दुल करीम टुंडा के खिलाफ जितने भी मामले दर्ज हुए हैं, किसी मामले में अब्दुल करीम टुंडा पर आतंकवाद के जो चार्ज थे, जो मामले थे, किसी मामले में अब्दुल करीम टुंडा दोषी सिद्ध नहीं हुए हैं और आज भी अब्दुल करीम टुंडा बरी हुए हैं। इरफान और हमीदुद्दीन को दोषी माना है, सजा के ऊपर थोड़ी देर के अंदर बताया जाए। संपूर्ण तो न्यायालय का निर्णय आने के बाद ही बताया जा पाएगा, लेकिन महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि माननीय टाडा न्यायाधीश राजस्थान अजमेर ने अब्दुल करीम टुंडा को उसके ऊपर लगाए गए सारे आरोपों अपराधों से दोषमुक्त कर दिया है, बरी कर दिया है, एक्विटल कर दिया है। अब्दुल करीम आईपीसी की धारा 302 थी, टाडा एक्ट की धाराएं थी, रेलवे एक्ट की धाराएं थी, पब्लिक प्रॉपर्टी डैमेज एक्ट की धाराएं थी, सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने का था, अवैध हथियारों का, विस्फोटों का और उनका सारा। और सबसे बड़ी बात यह कि सीबीआई ने इस टोटल मामले को लेकर के अब्दुल करीम टुंडा को बेस बनाया था और बेस ये बनाया था कि साहब अब्दुल करीम टुंडा ने सभी मुलजिमान को बम बनाना सिखाया और अब्दुल करीम टुंडा के से प्रेरित होकर के इन लोगों ने विभिन्न ट्रेनों में बम रखे। अब्दुल करीम टुंडा को ऑनरेबल कोर्ट ने बरी कर दिया है। दौरान आर्गुमेंट सीबीआई के वकील साहब कई बार ये कहते थे इस पूरे मामले में अब्दुल करीम टुंडा मास्टरमाइंड है और हीरो है, लेकिन मास्टरमाइंड और हीरो बताते थे। इंडियन फिल्मों में आपने देखा होगा कि हीरो स्टार्ट में स्ट्रगल करता है, वो सच्चा होता है और लास्ट में उसकी जीत होती है और यहाँ भी यही हुआ। वो आईपीसी में है, आतंकवाद से संबंधित मामले में अब्दुल करीम टुंडा को आज तक कोई सजा नहीं हुई है। वो निर्णय आने के बाद मैं आपको संपूर्ण बता पाऊंगा, लेकिन हमने माननीय न्यायालय के समक्ष ये अपनी बात पूरी तरीके से रखी थी कि अब्दुल करीम टुंडा के विरुद्ध कोई भी डायरेक्ट एविडेंस नहीं है, कोई इन्वेस्टिगेशन नोट ऑनरेबल कोर्ट में नहीं आया, कोई कन्फेक्शनल स्टेटमेंट नहीं आया, कोई सप्लीमेंट्री चार्जशीट नहीं आई, किसी गवाह ने ये नहीं कहा। सीबीआई के कुछ गवाहों ने तो इतना तक कहा है कि हमें इस प्रकरण में अब्दुल करीम टुंडा के लिप्त होने के लिए इसका नाम या जानकारी किसी गवाह ने नहीं दी, इसके खिलाफ कोई सबूत नहीं था। उम्र कैद का भी मामला था ना, टाडा एक्ट में 302 में उम्र कैद तक की सजा होती है ना, इसमें सभी सब धाराओं में बरी कर दिया।